नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया है। सभी सैन्य पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों के हक में, तो आइए इस वीडियो में करते हैं विस्तार से उस पर चर्चा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, नई दिल्ली से 24 जुलाई 2018 को शाम 5:17 पर लाइव हिंदुस्तान से प्रकाशित एक खबर के मुताबिक, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, चाहे वो सैन्यकर्मी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स या फिर पैरामिलिट्री कर्मचारी, मैं आप सबको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया है आयकर रिटर्न पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब सिर्फ एक सप्ते का ही टाइम बचा है आयकर रिटर्न फाइल करने का, उसके बाद लेट फी यानी कि पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगा। जिन किन्हीं भाइयों को आधार के कारण आयकर फाइल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब उनको बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि जिन शख्स के पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, अब वो बिना आधार कार्ड के भी आयकर फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को भी यह निर्देशित किया है कि वो बिना आधार वाले कर्मचारियों के लिए ई फाइलिंग वेबसाइट पर बिना आधार कार्ड नंबर के ई फाइलिंग करने का ऑप्शन जारी करें, यानी कि वो इस ऑप्शन की सुविधा मुहैया कराएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइल करने वालों को आधार नंबर आवश्यक होता था देना, तो दोस्तों यह दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अच्छी राहत दी है कर्मचारियों को बिना आधार नंबर के आयकर फाइल करने के संबंध में। तो दोस्तों, जिनके पास आधार कार्ड नंबर के साथ भरने में या आधार कार्ड नंबर नहीं है, वो इसका फायदा उठाएं और अपने साथियों की भी मदद करें। ये थी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।